अरे बाबा जी, ये घर भी ना यहाँ के लोगों की तरह ही है, कहीं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं कब से वॉशरूम ढूंढ रही हूँ लेकिन वॉशरूम ही नहीं मिल रहा है। कहाँ होगा ये वॉशरूम? ये आवाज कैसी? मैंने सही किया ना मॉम। मलिष्का, बिल्कुल सही किया बेटा, कोई जरूरत नहीं डैड को सब कुछ बताने की। एक बार को तो मुझे लगा कि तुमने सब कुछ बता दिया उन्हें, और मैं तो बिल्कुल डरी गई थी। देखा ना तुमने, इतनी छोटी सी बात पर कैसे रिएक्ट किया उन्होंने। अगर सब बता देते तो पता ही नहीं क्या करते वो। थैंक गॉड तुमने नहीं बताया। मलिष्का, हर एक बात का एक वक्त होता है, एंड थैंक गॉड अभी 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 हमारे साथ है। ही सपोर्टिंग अस। आई नो। अच्छा वो तुम कह रही थी ना कि तुम्हें बलविंदर से कुछ बात करनी थी, हुई तुम्हारी उससे बात? बलविंदर? हाँ मॉम, हुई मेरी उससे बात। आई होप तुमने उसे बुलाया नहीं है, क्योंकि आप कैसी बातें कर रहे हो मॉम? आप प्लीज ऐसा मत बोलो, और मैंने वही किया है जो मुझे सही लगा। डोंट वरी। मलिष्का तुम्हें पता है ना, उस आदमी को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, स्पेशली उस रात के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मलिष्का, ये लोग किस रात की बात कर रहे हैं? क्या हुआ था ऐसा? मॉम प्लीज, उस रात के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, प्लीज। मलिष्का नहीं मॉम, बस अब कुछ नहीं बोलोगे। अभी हम उस चीज पे ध्यान देते हैं जो ज्यादा जरूरी है, उस काम पे फोकस करते हैं मॉम प्लीज। ठीक है, चलिए चलते हैं। बच गए। कुछ तो हो रहा है, कुछ तो चल रहा है। मलिष्का और बलविंदर, इन दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है या अभी भी हो रहा है, पर क्या? दिक्कत तो यही है ना कि जितना मैंने देखा है, जितना मैंने सुना है, उससे मैं कुछ साबित नहीं कर पाऊंगी। अगर मुझे कुछ साबित करना पड़ेगा तो फिर मुझे सबूत की जरूरत है, पर मैं सबूत कहाँ से लाऊंगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसे भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकती। अगर मुझे सबूत चाहिए तो मुझे खुद ढूंढना पड़ेगा, जासूसी करनी पड़ेगी, और मैं करूंगी, बिल्कुल करूंगी। हाँ शालू, बताओ क्या बात करनी थी? आयुष, मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी। तुम साइड में हो। क्या हुआ शालू? शालू क्या हुआ, बोलो ना। आयुष, मुझे ना शक है कि बलविंदर और मलिष्का के बीच में कुछ तो चल रहा है, और जो चल रहा है ना वो सही नहीं है। और आयुष, मैं इस बात को ऐसी जाने नहीं दे सकती, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, सच का पता लगा के ही रहना पड़ेगा। ओके ओके, बट क्या कुछ सोचा तुमने, कैसे पता लगाओगे शालू, क्या करोगी? तक तो पापा जी, ये यहाँ कैसे? क्या हाय बाबा जी, कौन कहाँ कैसे, किसकी बात कर रहे हो शालू, क्या हुआ? मैं अभी आती हूँ। अरे लेकिन शालू, शालू बलविंदर का फोन। हाँ बोलो। हाँ कहाँ हो तुम? वहाँ गए क्या? हाँ आ गया मैं, अब क्या खड़ा होके चिल्लाऊँ यहाँ पे? बकवास बंद करो समझे, और तुम ऐसे बात मत करना, अंडरस्टैंड? कहाँ हो बताओ? अरे मैं तो यहीं पे हूँ, लेकिन तुम यहाँ आ गए हो ना, और हुलिया बदल के आए हो, राइट? हुलिया के बदलता मैं? इतना सुंदर सा हीरो जैसा चेहरा इसे छुपाऊंगा क्या मैं? अरे ये क्या बकवास किए जा रहे हो, पागल हो गए हो क्या? यहाँ तुम्हें ऐसे नहीं आना है, हुलिया बदल के ही आना है। पर क्यों, क्या दिक्कत है, इतना अच्छा खासा चेहरा इसे क्यों छुपाऊं मैं? तो जो अच्छी खासी शक्ल है ना तुम्हारी, ये सब बदल जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, अगर किसी ने भी तुम्हें यहाँ पर देख लिया समझे। जो हम चाहते हैं वो भी नहीं होगा। तो ऐसे बोल लो ना, टेंशन ना लो, तुम उसका जुगाड़ है मेरे पास। अरे पर कैसे कैसे करोगे तुम? कैसे? मिस्टर बलविंदर सूद नाम है मेरा, मिस्टर बलविंदर सूद। गाड़ी में सारा जुगाड़ लेके चलता हूँ मैं, कपड़े भी पड़े, दाढ़ी वाड़ी भी पड़ी, तुम टेंशन ना लो, मैं आ रहा हूँ हुलिया बदल के अभी। हे पापा जी, ये क्या हो रहा है, और इसे वेश बदलने की क्या जरूरत पड़ गई? और ये फोन पे किससे बातें कर रहा था? मलिष्का से? मैं इसका पता कैसे लगाऊं?
क्या करूं?